इसके गले में बैठी है सरस्वती। अब मैं सुरीला गा ही नहीं सकता क्योंकि अपने गले में बैठे हैं भैरव जी महाराज। आदमी गाए तो कैसे गाए, कैमरा वैमरा लगा दो और बैठ जाओ। आप भी कहीं भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पेड़ दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा। और ये इधर जो लोग हैं वो भी खड़े हो जाओ। मैं जानता हूँ मेरे को बहुत देर तक यहाँ पे बहुत खेल करना है और नगर पालिका ने स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया पहले ही, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे दिमाग पे लोड पड़े। लेकिन मैं ये भी स्टाम्प पेपर पे लिख सकता हूँ कि ये जितनों ने तालियां नहीं बजाई ये सब बजाएंगे। अरे और नहीं बजाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप बजा लेता हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं काव्य पाठ करूँ उसके पहले एक कवि जो मेरठ से यहाँ पर आए हैं उनको एक बार आप सुन लो, पूरे मन से सुन लो। वीर रस के कवि हैं, ओज के कवि हैं और भारत माता की वंदना वो आपके बीच में करेंगे। एक ऐसा कवि जैसे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कटक से लेके कटक तक हिंदी कविता का एक नया वीर रस का सूरज जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ उसे लोग सूरज सौरभ सुमन के नाम से जानते हैं। मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ आवाज देता हूँ। मैं जानता हूँ वेदव्रत वाजपेयी ने नैनवा में कह दिया बोला अफजल को फांसी दो, वो अफजल को तो फांसी हुई नहीं हुई, तीन पुलिस वालों के जरूर खांसी होगी, लफड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये नैनवा के बहुत अच्छे लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि सौरभ सुमन को मैं इन पंक्तियों के साथ आवाज दूं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे और एक एक आदमी जिन्होंने हाथ नहीं खोले हो अब सौरभ सुमन के लिए एक एक आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे आवाज देना कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे और ये कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। एक बार पूरा पांडाल दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सौरभ सुमन को बुलाएं। ये पीछे जो लोगों ने तालियां निभाई उनसे भी निवेदन है आप भी अपने हाथों को खोलो, वरना जो जो सही बात पे ताली नहीं बजाएगा मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएगा। एक बार पूरे पांडाल से निवेदन करता हूँ दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सौरभ सुमन को बुलाओ, उसके बाद पूरी रात है और मैं आपका हूँ। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती का आवाहन करता हूँ, माँ पद्मावती को नमन करता हूँ, उपरांत चेयर पर बैठे हुए सभी चेयरमैनों को, जमीन पर बैठे हुए सभी जमींदारों को,